हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज भी विथ आर्मेचर एक एनिमल फिगर बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। एकदम इंडियन बंगाल स्टाइल गाय। वेलकम टू माय आर्टिक चैनल। चलिए सेम आज भी जीआई वायर, फ्लेक्सिबल जीआई वायर लेकर आर्मेचर बनाएंगे। देखिए जो प्रोसेस मैं दिखाता हूँ बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 इंच से 5 इंच मैक्सिमम ये जो सीरीज मैंने बना रहा हूँ एनिमल फिगर्स, तो ये आर्मेचर बहुत ही सिंपल है। ये सिंपल आर्मेचर, ये देखिए पीछे पैर है, इसी हिसाब से बेंड कर लिया, ये आगे की तरफ है, और ये नेक और ये पूछ बन जाएगा, है ना। तो चलिए मिट्टी लगाना शुरू करते। मेरा पास नेचुरल गंगा मिट्टी है, आपका पास जो भी मिट्टी होगा उसी मिट्टी में काम कर सकते, लेकिन काम करने का बाद ही, मतलब कच्चा जब रहेगा उसी टाइम आपको मोल्ड लेकर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और नहीं करें तो क्रैक होगा 100%। और क्रैक होने का भी, उसको ठीक कैसे करें, आप चाहे तो मिट्टी में भी रख सकते हैं, तो ठीक करना पड़ेगा और उसको पेंट करना पड़ेगा, है ना। तो वो भी प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे। आप साइड में कुछ इमेज रखें, इमेज हो जाए, इमेज को एक दो बार ड्राइंग कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और उसको साइड में रखे काम करें। आपको उल्टा साइड में भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये 3D स्कल्पचर है, चारों साइड आप घुमा घुमा के आपको काम कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए ये काऊ जो है इसका भी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ये भी अलग अलग स्टेट का, अलग अलग जाति का, ये अलग अलग वैरायटी है, वेरिएशन है बॉडी स्ट्रक्चर का हिसाब से भी वेरिएशन है। इसका एनाटॉमिक भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, कहाँ पे बोन स्ट्रक्चर जो है, कौन सा बोन दिखाई देता है, ये थोड़ा सा स्टडी करें तो आपका काम और भी अच्छा होगा। ये छोटा सा चियरी लेकर अब एक्स्ट्रा मिट्टी जो है कहाँ पे डेप्थ बनाना है, इस हिसाब से इसको देख लीजिए। यहाँ पे मिट्टी हटाना है वहां पे हटा दीजिए, क्योंकि कहीं कहीं पे बोन स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, मसल्स भी दिखाई देता है, तो ये आपको स्टडी करना चाहिए, आपको बहुत देखना चाहिए, इसको स्केच करना चाहिए, तो आपका काम सुंदर होगा। जो भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं उसको भी लगा दीजिए,
जैसे हॉर्न, ईयर, है ना। पिछला मेरा अपलोडेड बहुत सारा वीडियोस है, उसमें भी इस सीरीज में मैंने एनिमल स्पीकर विद आर्मेचर बनाने का प्रोसेस दिखाया, तो प्लीज़ एक बार जाकर देख लीजिए। बहुत ही छोटा छोटा इजी तरीके से आप बना सकते विद आर्मेचर। अलग अलग एनिमल का भी अलग अलग ये जो पार्ट है, इसका भी जो डिफरेंस, मतलब ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। टेक्सचर जो है इसको स्मूथ आप कर सकते, मेरा जैसा ये अच्छा लगता है, हल्का हल्का मिट्टी का इम्प्रेशन रहता है, हाथ का भी इम्प्रेशन रहता है, तो ये टेक्सचर भी अच्छा रहता है, तो मैंने इसको रख दिया। हल्का ब्रश से सिर्फ इसको स्मूथ करेंगे। देखिए फ्रेंड कैसा है, आप कमेंट कीजिए, आप लोग भी बनाइए, ट्राई कीजिए, और जैसा भी बने मेरे को फ़ोटो भेजिए। मेरा जितना अपलोडेड वीडियोस है पूरा देखिए, और जो फ्रेंड आपका पसंद करते इस टाइप का काम, सबको शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ इस फील्ड में आइए, आप लोग भी काम करें। ये फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर है, कमेंट कीजिए कैसा लगा, और मेरा अपलोडेड हर वीडियोस का नोटिफिकेशन कैसे मिल जाए आपका पास, प्लीज़ देख लीजिए। मेरा आर्टिक चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, और साइड में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए, और ऑल वीडियोस आप एंजॉय कीजिए मेरा चैनल पर। थैंक यू।